हाय गाइस, अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपना 60 डे वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें 26 डेज तक के वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपने डाइट लंच ब्रेक में बनाई थी बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी, आज की रेसिपी बस वही है। और मैं डेली शॉर्ट में आपको अपना डे रूटीन दिखाती हूँ कि मैं वेट लॉस के लिए क्या खा पी रही हूँ, तो आप भी शॉर्ट्स देख करके फॉलो करिए अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए तेल में थोड़ा सा राई, ज़ीरा और लहसुन डाल दिया मैंने। तेल की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम रखती हूँ मैं, और मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ पीनट ऑयल का, अदरवाइज़ मैं घी या बटर में बनाती हूँ अपनी सब्ज़ी को। यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक कट करके साथ में मिर्ची ऐड कर दी। अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने भूनते हुए पका लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके ऐड कर दिया है। टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे और सॉफ्ट होने तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है, और पिंच पर मैंने हल्दी भी ऐड की है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स 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 कर देना है, और इसे ढक करके हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए, क्योंकि ये जो हल्का खट्टा मीठा तीखा जो होता है ना टमाटर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गुड़ को मैंने ऐड कर दिया, बहुत ही कम गुड़ का इस्तेमाल किया है मैंने, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दिया है। 5 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे ढक करके छोड़ दिया था। ओपन करके मैंने पाव भाजी वाले मैशर से इसे मैश कर लिया है अच्छी तरह से, और इसके बाद में मैंने इसे फिर से मिक्स कर लिया है। हमारी टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं अपनी डाइट पैक में वही चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ, और वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे डाइटिशियन ने मुझे बोला है, जो मेरे लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो आप भी डेली मेरा डाइट फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। ज़रूर से फॉलो करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय।